आज हम आपके साथ चेरी करौंदा बनाने की एकदम यूज़फुल रेसिपी शेयर करने वाले हैं। इसे बनाने के लिए हमें बहुत ही कम चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसी के साथ ही बहुत ही कम खर्चे में बनकर तैयार हो जाते हैं। इससे आप मार्केट की तरह घर पर ही केक डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट चेरी करौंदा बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार, निशा मधुरिमा रेसिपीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ चेरी करौंदा बनाने की एकदम सीक्रेट रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो चलिए स्वाद के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और बनाते हैं हमारी आज की रेसिपी। चेरी करौंदा बनाने के लिए हमने यहाँ 200 ग्राम लाल वाले करौंदे ले लिए हैं। इसी तरह से हमें लाल करौंदे लेना है, इससे चेरी करौंदे बहुत अच्छे से बनते हैं। इसे हमने साफ़ पानी से धोकर पोंछ कर रख लिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अभी हम इसकी डंठल हटा देंगे। करौंदे में इस तरह से डंठल होती है, हमने इसकी डंठल हटा दी है। इसमें हम इस तरह से एक छेद करेंगे। इसमें छेद करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें चाशनी अंदर तक जाती है और ये करौंदे बहुत मीठे बन जाते हैं। हमने इसमें छेद लगा दिया है, इसे हम एक बाउल में रखेंगे और इसी तरह से फटाफट सारे करौंदे डंठल हटाकर और छेद लगाकर तैयार कर लेंगे। देखिए, हमने सारे करौंदे फटाफट डंठल हटाकर और छेद लगाकर तैयार कर लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अभी हम चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हमने एक पतीला गैस पर रख दिया है। इसमें एक कप चीनी डालेंगे, मतलब हमने यहाँ 200 ग्राम चीनी ली है। जितने करौंदे हमने लिए हैं उतनी ही चीनी हमें लेना है। इसमें आधा कप पानी डालेंगे। इसमें एक छोटा चम्मच नींबू का रस डालेंगे। इसे अच्छे से मिला देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसकी एक तार की चाशनी बनने तक हमें इसे पका लेना है। इसके लिए हमें 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। अभी हमने इसे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। चाशनी अच्छी गाढ़ी लग रही है। हम इसे चेक करेंगे कि ये एक तार की बनी है या नहीं। देखिए, इस तरह से करछी से हम चाशनी को गिराते हैं तो जो लास्ट वाला ड्रॉप होता है वो बहुत धीरे धीरे गिरता है। इसका मतलब है चाशनी अच्छे से पक चुकी है। या फिर आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। थोड़ी सी चाशनी एक कटोरी में निकाल लीजिए, इसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए और इसे उंगली के बीच में इस तरह से चिपका कर देखिए कि इससे एक तार बन रहा है या नहीं। देखिए, इसमें बहुत अच्छे से एक तार बन रहा है। इसका मतलब है चाशनी अच्छे से पक चुकी है। इसमें अभी हम 2 से 3 बूंद रेड फूड कलर डालेंगे। ये खाने वाला कलर होता है। इसमें हम ये कलर डाल रहे हैं इसकी वजह से जो हमारे चेरी करौंदा बनेंगे बहुत ही प्यारे कलर के बनेंगे। अगर आपके पास इस तरह से जेल कलर नहीं है तो आप पाउडर वाला फूड कलर भी डाल सकते हैं, जिसे खाने का कलर कहते हैं। इसे अच्छे से मिला देंगे। चाशनी में कलर अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें अभी हम ये करौंदे डालेंगे जो हमने डंठल निकाल कर और कट लगा कर रख दिए हैं। इसे अच्छे से मिला देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है वरना ये करौंदे एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। हमें इन्हें थोड़ा कम ही पकाना है। हमने 3 मिनट तक ये करौंदों को अच्छे से पका लिया है। अभी हमने गैस बंद कर दी है। देखिए, ये करौंदे बहुत अच्छे से पक चुके हैं। हमें इन्हें इतना ही पकाना है, ओवर कुक नहीं करना है। और आप इसका कलर देख सकते हैं कितना प्यारा आया है। अभी हम इसे एक छलनी में निकाल लेंगे क्योंकि चाशनी काफ़ी गर्म है। अगर हम इसे चाशनी में ही रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो सकते हैं। हम इन्हें थोड़ी देर छलनी पर ही रखेंगे ताकि इनकी सारी चाशनी सेपरेट हो जाए। अभी हमें सारे चेरी करौंदे एक थाली में डालेंगे और इन्हें इस तरह से फैला देंगे। इन्हें हम पंखे के नीचे आधे घंटे के लिए सुखा लेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाए और थोड़े से ड्राई भी हो जाए। आधा घंटा पूरा हो चुका है। चेरी करौंदे पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं और थोड़े ड्राई भी हो चुके हैं। इन्हें आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भरकर पूरे 2 से 3 महीनों तक यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितने प्यारे ये बने हैं। कलर देखिए कितना प्यारा आया है। जब आप इन चेरी करौंदों से केक डेकोरेट करेंगे तो बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। और इसे बनाने के लिए हमें खर्चा भी काफ़ी कम आया है और बहुत ही कम मेहनत में ये बनकर तैयार हो गए हैं। लीजिए केक डेकोरेट करने के लिए हमारे बहुत ही प्यारे गुड लुकिंग चेरी करौंदे बनकर तैयार हो गए हैं। आप भी इस तरह से चेरी करौंदे ज़रूर बनाकर देखिए। और आपको ये रेसिपी कैसे लगी है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए,
और अपने फ्रेंड्स के साथ इस यूजफुल रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरह से और भी मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल के बटन को भी दबा दीजिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।